इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में पटना पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी खुद पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। SSP ने बताया कि जिस पल्सर मोटरसाइकिल में सवार होकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी के बारे में उन्होंने बताया कि इस पर पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि पुलिसिया जांच को लेकर कई सवाल उठे थे। दरअसल हत्या के 22 दिन बाद पुलिस ने पहले आरोपी ऋतुराज को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। तुम्हारे साथ और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाया? कितने लोग थे आप लोग? तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और नीचे लोगों ने चलाया? किसको गोली मार रहे हो? होली के पहले गुरुवार को पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से GPO गोलंबर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का शाम 4 बजे लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के शुरू होने से कंकड़बाग के चिरैयाटाड़, करबीगहिया से विधानसभा और वीरचंद्र पटेल पथ की कनेक्टिविटी एलिवेटेड हो जाएगी। पटना के लोगों को होली से पहले राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खबर मिलने वाली है, जिसके तहत राजधानी वासियों को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। आइए जानते हैं कि क्या फायदे हैं इस फ्लाईओवर से। राजधानी वासियों को जिसका इंतजार सालों से था, वो अब खत्म होने जा रहा है। पटना के लोगों को सरकार नया तोहफा देने जा रही है। तोहफा नए फ्लाईओवर का है। आर ब्लॉक चराहा से GPO गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर अब बनकर तैयार है। नए फ्लाईओवर के बनने से आर ब्लॉक की तरफ से मीठापुर, कंकड़बाग और गांधी मैदान की तरफ जाने वाला रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा कंकड़बाग, गांधी मैदान और मीठापुर की तरफ से विधानसभा, एयरपोर्ट और वीरचंद पटेल पथ की ओर से जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। दूरी कम होने के साथ ही समय की भी बचत होगी। दरअसल GPO गोलंबर के ऊपर लोगों को अभी भी भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पुल शुरू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। लगभग 104 करोड़ की लागत से बने इस पुल को 11 नवंबर 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 21 मार्च 2021 तक की गई और 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इस पुल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इंतजार भले ही लंबा हुआ हो, लेकिन इस फ्लाईओवर पर परिचालन शुरू हो जाने से राजधानी वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नेशन न्यूज के लिए मंजुल मंजरी की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि साल 2015 में केवटी थाना में पप्पू यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पिछले 5 साल से इस मामले में फरार रहने के कारण न्यायालय ने पूर्व सांसद के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आरा के जगदीशपुर का है, जहां अपराधियों ने देर रात LJP के महासचिव प्रेमचंद्र यादव को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सीतापुर गांव पड़ता है, वो लोग जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, सीतापुर उसका कहा जाता है। तो हम लोग पता चला 1:30 बजे रात का, फोन किए थे जो सुनोज कुमार उनका नाम पड़ेगा कि हमको गोली लग गया, तो वो आए। उसके बाद किसानी में एडमिट हुआ, प्राइवेट में रमेश कुमार डॉक्टर हैं। उसके बाद हम सीधे साई हॉस्पिटल में कराए, उसके बाद यहाँ विकास कुमार। जहानाबाद जिले के सरेन गांव में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। इस मामले में परिजनों ने बताया कि 2017 में महेश यादव के साथ बेटी का विवाह करवाया था, जिसके बाद लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अंततः बुधवार की शाम ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी।
परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। हालांकि घटना के बाद सही ससुराल वाले फरार हो गए। के साथ सर यही सब घटना हो गया है। हम कमाए वाला आदमी है, हम कुछ विशा विशेष नहीं चला सकते। मंजिल हमारे देखे मंजिल बेटी के हमको लाश जनित भर में पकड़ा गया। दहेज करते माता मारपीट हो रहा था, बहुत देर से झगड़ा चल रहा था। हम समझौता के लिए गए एक बार, समझौता में समझा बुझा दिए थे, इस परिवार फिर सही से रहा लगा। फिर बीच में क्या चलते हुआ हम क्यों कौन मारा मारा उसको ससुर मारा उसको पति मिल के सब मिल के मन गई परिवार पूरा मर गया। काहे के लिए कुछ पैसा उसे? हाँ दहेज प्रथा के लिए सर, और मांग रहा था हमको नहीं। बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर रेलकर्मी सतीश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बरौनी जंक्शन से सटे बरौनी रेलवे कॉलोनी चिल्ड्रंस पार्क के पास की है, जहां बुधवार की देर रात घर में घुसकर रेलवे के विद्युत विभाग में कार्यरत रेलकर्मी की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी सर हमको मिला है कि ये पापा जी मेरे बरौनी में जॉब करते हैं, बीच बिजली विभाग में पावर हाउस में हैं। और इनका जॉब 23 साल से खिलेड़ा कर रहे हैं। और इनका तबीयत अचानक ख़राब हो गया था मेरी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले से इनका इलाज चला है। सेंट्रल हॉस्पिटल से चला इलाज और कुछ गर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र है फोन लाइन पर। जितेंद्र, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे आपसे, कब की है ये घटना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये घटना है बरौनी रेलवे कॉलोनी के, जहां रात में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक रेल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जो है इलाके में सनसनी फैल गई है। यही पुलिस का कहना कि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधी किस लिए इस व्यक्ति को गोली मारी गई है। हत्या के वक्त घर में कोई और भी मौजूद था, घर का अन्य सदस्य? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस जगह ये सोए हुए थे उस जगह कोई व्यक्ति नहीं थी, और दूसरे कमरा में था। जैसे ही गोली कबाब सुनी तो परिजनों ने निकल कर बाहर आया, तब तक अपराधी भाग चुका था। उतने देर में उठा पुटा परिजनों के द्वारा उसको इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया जाता, लेकिन रास्ते में उनकी परिजनों से पूछताछ हुई होगी। उन्होंने क्या कहा, किसी पे शक जाहिर किया, इससे पहले क्या धमकी दी गई होगी, कोई आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है क्या जितेंद्र? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उनके जब परिजनों से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां का स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। जो रेलवे कर्मचारी थे वहीं के महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। हो सकता है कि अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि इस प्रेम प्रसंग में इस तरह की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दी गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ठीक है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, कब तक इस मामले का खुलासा हो पाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो भी इनके परिजनों हैं, परिजन के जो सदस्य हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि कुछ और बात सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि हत्या का क्या मुख्य कारण था। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जितेंद्र। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि जो पूरा मामला है हत्या, उसके पीछे जो एक वजह सामने निकल कर आ रही है वो है अवैध प्रेम प्रसंग। इसकी वजह से एक हत्या के पीछे का एक कारण समझ में आ रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है।